कि बिहार में जगह जगह बाढ़ से त्रासदी मची हुई है। भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को लेकर जल संसाधन विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग के अनुसार नेपाल में अत्यधिक बारिश जारी है और इससे अगले 48 घंटों में गंडक, कोसी और महानंदा का वाटर लेवल बढ़ सकता है। 28 सितंबर को वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 6 लाख क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज होगा। वहीं वीरपुर कोसी बराज से 6.881 लाख क्यूसिक का डिस्चार्ज किया जा सकता है और ये अब तक के अधिकतम डिस्चार्ज के बराबर होगा। और ऐसे में हर आपात स्थिति के लिए विभाग बिल्कुल तैयार है। तटबंध की सुरक्षा के लिए विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। सभी इंजीनियर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, उन्हें तटबंध के पास कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही राहत और बचाव कार्य की तैयारी के साथ ही तटबंध की निगरानी और चौकसी के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नेपाल में अत्यधिक बारिश हो रही है और अगले 48 घंटे में ये नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, भयावह रूप में आपको नदियां नजर आ रही होंगी। 28 सितंबर को सबसे अधिक डिस्चार्ज होना है और इसी को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। जल का प्रवाह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का लेवल कितना ज्यादा है। वीरपुर बराज से 6.81 क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज किया जाएगा और ऐसे में लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। दो नदियों की तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोसी की है और दूसरी तस्वीर गंडक बराज की है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का लेवल कितना ज्यादा हाई है और ऐसे में लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की जा रही है। और इसी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट है और कोशिश ये लगातार जारी है कि किसी भी तरीके से लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर हम बात करें बिहार के अलग अलग जिलों की, तो वहां पर बाढ़ की त्रासदी पहले ही देखी जा रही है, लेकिन अब 28 सितंबर का दिन और भी ज्यादा सावधानी वाला दिन होगा, सतर्कता बरतनी होगी। और लगातार हो रही बारिश के बाद सुपौल में कोसी नदी का इलाका हाई अलर्ट पर है। भारी बारिश की वजह से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि 6,81,000 क्यूसेक तक पानी डिस्चार्ज हो सकता है। वहीं 56 साल में इतना पानी कभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है। भारी मात्रा में पानी के डिस्चार्ज को देखते हुए कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों से बाढ़ आश्रय स्थल पर शरण लेने की डीएम की ओर से अपील की गई है। बता दें कि अभी फिलहाल 1 लाख क्यूसेक तक पानी डिस्चार्ज हो रहा है और एक साथ अधिक मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। जल संसाधन विभाग ने सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार के डीएम और एसपी को अलर्ट किया है और सभी एहतियात कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित झा सुपौल से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बारिश के बाद कोसी बराज से पानी भारी मात्रा में डिस्चार्ज की आशंका जताई जा रही है, अभी क्या हालात है? देखिए, रात से ही जिस तरीके से अंदेशा जताया गया था कि देर रात 12 बजे के बाद कोसी का डिस्चार्ज बढ़ेगा, उस हिसाब से कोसी का डिस्चार्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी फिलहाल 3 लाख के पार हो चुका है और जिससे तटबंध के भीतर के इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कल शाम से ही लोगों को सतर्क रहने को कहा है और लोगों को बाहर आने की अपील डीएम ने की है। फिलहाल अभी जो स्थिति है उसमें लगातार कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है और हर जगहों पर इंजीनियर के द्वारा निगरानी की जा रही है। प्रशासन की पूरी व्यवस्था है और सभी इंजीनियर की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है और कोसी बराज के 56 फाटक खोल दिए गए हैं ताकि कोसी बराज पर बहुत अधिक बोझ ना पड़े। और ये 56 सालों के बाद इस तरह का जलस्तर बढ़ा है। जो जानकार बताते हैं कि 1968 में इस तरह का जलस्तर बढ़ा था जी, तो उस समय कोसी का बराज काफी नया था और लेकिन अब जो बराज की स्थिति है जो काफी पुरानी हो चुकी है, लगातार पूर्व में जो जल संसाधन मंत्री संजय झा भी रहे हैं तो उन्होंने भी बराज को लेकर चिंता जाहिर की थी, नेपाल के एक मंत्री ने भी चिंता जाहिर की थी, तो ऐसे में चिंता बढ़ जाती है कि कोसी बराज पर दबाव न पड़े और धीरे धीरे पानी अगर निकल जाता है तो ये भगवान का बड़ा शुक्र होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। और बिहार में अत्यधिक भारी बारिश का आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन की ओर से एक साथ 13 जिलों के डीएम को पत्र भेजा गया। जिन जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है उनमें पटना के साथ ही
पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के साथ साथ शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान शामिल है। आपदा प्रबंधन की ओर से सारण, वैशाली, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पत्र में अधिकारी और संबंधित एजेंसी को हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की अपील की गई है। साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जागरूकता फैलाने की लोगों से अपील की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से रेड और येलो अलर्ट अलग अलग जगहों पर जारी किया गया है। भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है और इसी अत्यधिक बारिश की वजह से बिहार के अलग अलग जिलों में बह रही नदियों में उफान आ सकता है और इसी के मद्देनजर आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तो तैयार है ही, साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि आप भी इस भारी बारिश में खुद को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो आपदा प्रबंधन विभाग का यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। किन किन जिलों में अलर्ट है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, जहानाबाद, पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल पहले से ही बेहाल है। तस्वीरें न्यूज 18 के माध्यम से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने बेबस हो गए हैं, कई लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन बावजूद कुदरत का कहर कम नहीं हो रहा, भारी बारिश के बाद चेतावनी जारी की गई है। और भारी बारिश को लेकर के बिहार के 13 जिलों में अलर्ट है। आइए जानते हैं कि किस किस जिले में अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको कि पश्चिमी चंपारण में अलर्ट जारी किया गया है, इसके साथ ही पूर्वी चंपारण में अलर्ट जारी किया गया है, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली, इसके साथ ही पटना, जहानाबाद और मधुबनी, भोजपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप जिलों का नाम देख पा रहे होंगे, उन जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इन दिनों यूं ही बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और उन तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि लोग कितने परेशान हैं, बाढ़ की त्रासदी को झेल रहे हैं और ऊपर से कुदरत का कहर।